1,30,000,000,000,000 यानी 1,30,00,000,000 टन कूड़ा हर साल इंसानों द्वारा पृथ्वी पर फेंका जाता है, जो हर दिन के हिसाब से 35,00,000 टन से भी ज्यादा है। और साल 2025 तक हर साल धरती पर 2,20,00,000,000,000 टन कूड़ा जमा हो चुका होगा। दोस्तों, आज बढ़ते विकास और शहरीकरण की वजह से कूड़े पर नियंत्रण और उसकी व्यवस्था कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है, और आने वाले भविष्य में अगर इसका कोई सटीक हल नहीं निकाला तो ये काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। दोस्तों, सटीक हल से याद आया, अगर पृथ्वी इतने सारे कूड़े से भरी पड़ी है और इसकी भी एक लिमिट है, तो क्यों ना हम इस कूड़े को कहीं और भेज दें, जैसे कि अंतरिक्ष, क्योंकि अब अंतरिक्ष में पहुंचना हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। सो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या हम पृथ्वी पर जमा सारे कूड़े को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं, और अगर ऐसा संभव हुआ तो इसके प्रभाव और परिणाम क्या होंगे। दोस्तों, ये तरीका सुनने में काफी मजेदार लगता है, क्योंकि अगर हम ऐसा कर दें तो पृथ्वी पर जमा सारा कूड़ा हम दूर दूर तक अंतरिक्ष में भेज सकते हैं और पृथ्वी को इस कूड़े से मुक्ति दिला सकते हैं। पर ये जितना सोचने में मजेदार लगता है, उतनी ही चुनौतियों से भरा भी है, क्योंकि ये कोई सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट भेजने जैसा नहीं है, बल्कि अरबों टन कूड़ा हमें अंतरिक्ष में भेजना पड़ेगा, जिसके लिए हमें कई करोड़ों रॉकेट्स की जरूरत पड़ेगी। 1957 में हम इंसानों ने सबसे पहला रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा। जब से अंतरिक्ष में फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भेजा गया है, तब से लेकर अब तक लगभग 5,000 से ज़्यादा रॉकेट्स हम पृथ्वी से लॉन्च कर चुके हैं। अभी फिलहाल हमारे पास सबसे किफ़ायती रॉकेट को भी लॉन्च करने के लिए $90 मिलियन तक का खर्च आता है, जो कि अंतरिक्ष में 70 टन तक कोई भी सामान भेजने में सक्षम है। गणना की बात करें तो पृथ्वी पर मौजूद सारे कूड़े को अगर हमें इसके द्वारा अंतरिक्ष में भेजना पड़े, तो हमें 18 मिलियन यानी 1,80,00,000 से भी ज़्यादा ऐसे रॉकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिनकी लागत $1,600 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की होगी। मिलियन या बिलियन नहीं, $1,600 ट्रिलियन। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इतने पैसों में कई सारे देशों को एक साथ खरीदा जा सकता है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, इन्हें लॉन्च करने के लिए भी हमें चीन जैसे पूरे देश से भी ज़्यादा के एरिया की ज़रूरत भी पड़ेगी, जिसकी कल्पना कर पाना भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। इन सब के साथ ही स्पेस में लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट्स का हाईएस्ट सक्सेस रेट ऑन एवरेज 97% है, यानी हर 100 रॉकेट्स में से 97 रॉकेट्स अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो ये ऑपरेशन वाकई में काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, पर सोचिए अगर संसाधनों का इस्तेमाल करके हम ये सब करने में कामयाब भी हो गए, तो स्पेस में भेजे गए इतने सारे कूड़े का आखिर होगा क्या? क्या ये वाकई में हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, या इसका परिणाम कोई अलग ही रूप ले लेगा? हाल ही में की गई स्टडीज़ के मुताबिक पृथ्वी के ऑर्बिट में 170 मिलियन से भी ज़्यादा स्पेस डेब्रिस यानी अंतरिक्ष में मौजूद कूड़े या मलबे के टुकड़े मौजूद हैं, जिनमें से लगभग 29,000 टुकड़े ऐसे हैं जिनका आकार काफ़ी बड़ा है, जो आसानी से ट्रैक कर लिए जाते हैं। ये स्पेस डेब्रिस आमतौर पर स्पेस में मौजूद नेचुरल एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स और आर्टिफिशियल मैनमेड यानी मानवों द्वारा स्पेस में भेजे गए ऑब्जेक्ट्स की वजह से इकट्ठा हो जाता है, जहां मैनमेड ऑब्जेक्ट्स सैटेलाइट्स, रॉकेट बूस्टर्स, स्पेस क्राफ्ट वगैरह होते हैं, जो स्पेस मिशंस के समय पर भेजे जाते हैं, जो या तो काफ़ी पुराने हो चुके होते हैं या जिनका किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं होता। दोस्तों, पृथ्वी की कक्षा में ही काफ़ी बड़े बड़े बेकार के ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जो 17,000 मील प्रति घंटे से भी ज़्यादा की स्पीड से हमारी धरती के चक्कर लगाते हैं, और ये किसी भी सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स का अगर साइज भी कम हो तो भी इनकी गति किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर उसे नष्ट कर सकती है। भले ही इतने बड़े स्पेस में इन ऑब्जेक्ट्स के टकराने की संभावना कम हो, पर कई नॉन ट्रैकेबल ऑब्जेक्ट्स खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। यानी कूड़े में फेंकी गई आपकी कैंची स्पेस में किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। 1996 में भेजे गए एक फ्रांस के रॉकेट के टुकड़े उन्हीं की भेजी हुई सैटेलाइट से टकराई और उसे नष्ट कर दिया। इसके अलावा इस स्पेस डेब्रिस से बड़े बड़े सैटेलाइट सिस्टम्स के नष्ट होने का भी खतरा रहता है, जैसे कि GPS वगैरह, और अगर ये सिस्टम फेल होता है
तो वेदर फोरकास्ट, नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग जैसे ऑपरेशंस पूरी तरह से बंद पड़ जाएंगे और एयरप्लेन्स, शिप्स, मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स को दिशा न मिलने की वजह से परिणाम काफी भयंकर भी साबित हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों सैटेलाइट को काफी प्लानिंग के साथ लॉन्च किया जाता है और समय समय पर उसके आसपास मौजूद ऑब्जेक्ट्स को सावधानी से ट्रैक किया जाता है। इन सब के साथ ही पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा गया कूड़ा थोड़े समय के बाद काफी तेजी से खुद पृथ्वी पर गिरना शुरू कर देगा, जिसमें से कुछ तो तेज गति की वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में ही जलना शुरू कर देगा। इस कूड़े के जलने वाले रिएक्शन की वजह से हमारे वातावरण और खुद हम पर इसका काफी बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान निकलने वाले डायोक्सिन्स कैंसर, स्किन डिजीज और हार्ट डिजीज जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। और सबसे गंभीर बात तो ये है कि इस प्रक्रिया को हम चाहकर भी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अब तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि पृथ्वी पर मौजूद ये कूड़ा पृथ्वी से दूर रहकर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। बट आखिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आखिर कूड़े को कैसे मैनेज किया जाए? क्या इसका कोई स्मार्ट तरीका है? यस ब्रो, अगर एक लाइन में बोलूं तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि हमें प्लास्टिक्स का उपयोग करना बंद करना होगा जितना हो सके, क्योंकि आपको पता ही होगा कि प्लास्टिक से क्या क्या नुकसान होते हैं। और एक बार जब प्लास्टिक और उससे चीज़ें बन जाती हैं तो ये हजारों सालों तक नष्ट नहीं होता और धीरे धीरे करके हमारे पृथ्वी पर प्लास्टिक्स और कूड़े का ढेर बनता जा रहा है। इसलिए ब्रो, अगर हो सके तो प्लास्टिक का उपयोग ना के बराबर करें। हाँ, मुझे पता है कि पूरी तरह से बंद करना तो मुश्किल है, अगर हो सके तो ना के बराबर यूज़ करें और प्लास्टिक की जगह पर कोई डीकम्पोज होने वाली चीज़ें यूज करें। और अगर आपको ये जानना है कि प्लास्टिक से आखिर क्या क्या नुकसान हो रहा है तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, सभी दोस्तों से अनुरोध है कि जाते जाते हमारे इस मेहनत को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो और भी आने वाली हैं। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।